अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ठीक है, आज हम लोग बनाने वाले हैं आमले का अचार। इसके लिए आपको आंवला चाहिए। ठीक है, अच्छे से तीन वॉश कर दीजिए। तीन वॉश करने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने उसे आमले को एक बॉल में डाल दिया। डालकर एक गिलास पानी डाल दिया उसमें, एंड एक चम्मच 1/2 टेबल स्पून आप नमक डाल सकते हैं। ठीक है, नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। अब मैं इसे अच्छे से बॉईल करने रख दूँगी 15-20 मिनट्स। देखिए हमारे आमले अच्छे से उबल रहे हैं। आफ्टर 15-20 मिनट्स स्टोव ऑफ कर दीजिए। हम लोग को अच्छी तरीके से ठंडा होने रख दीजिए, जब तक हम लोग मिर्ची काट लेंगे। ठीक है, मैंने 6 से 8 मिर्चियाँ ले लिए हैं, एंड उसे अच्छी तरीके से काट लीजिए। आपको बीच में से काट लेना होगा। मैंने मिर्चियाँ काट लिया है। अब मैं आमले ले लूँगी। ठीक है, उसे जार में डाल दूँगी। जब हम लोग जार में डालेंगे, जार क्लीन होना चाहिए। ओके, उसमें मतलब आपका पूरा जार क्लीन ड्राई होना चाहिए। फिर मैं आप ऐड करूँगी मिर्चियाँ। ठीक है, ऐड करने के बाद अब मैं ऐड करूँगी लेमन। लेमन ले लीजिए हाफ करके, उसे अच्छे से निचड़ दीजिए हमारे अचार में। ठीक है, ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए। याद रहे लेमन के बिंजा अचार में नहीं जाना चाहिए। अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लीजिए। देन हम लोग अब क्लोज कर देंगे अचार का बॉटल कैप से। देन लीव इट फॉर 8 डेज। ओके, 8 दिन बाद आप अचार यूज़ कर सकते हैं। एंड हमारा अचार बन गया है। एंड इट वाज अ क्विक एंड इजी मेथड टू मेक आमला अचार। ठीक है, एंड आमले में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें फिजिकली बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देते हैं। गर्ल्स के लिए हेयर ग्रोथ अच्छी होती है उनकी, एंड स्किन भी अच्छी तरीके से ग्लो करती है। For leaving my channel, subscribe it and share with your friends. Support my channel and please help me to grow 1000 subscribers.